ए राहुल, उठ जा बेटा। अरे पापा, आज तो संडे है और आप संडे को इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा, काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा, आप इस फालतू जॉब में लगे हुए हो? पता है, मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है, उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी थोड़ा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं, हा? नहीं तो सिर्फ जरूरत ही पूरी हो पाएगी, क्वेश्चन ही। देख बेटा, जितनी मेरी औकात है ना, उतने में मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहा हूँ, मेहनत करके एक घर चला रहा हूँ और हमारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। और जब जरूरतें पूरी हो रही हो, तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बात करता है ना? फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना, इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना, समझा? खाना अंदर रखा है, खा लेना। हाँ, वही दाल रोटी। Very nice. Hi मन्या, what's up? यार घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, तेरे घर आ जाऊँ, तेरे होम थिएटर पर फिल्म देखते हैं। सॉरी है तू? अरे सुनना, मजा आएगा, चल आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे पक्का? हाँ, पंटी को भी बुला लेना। यार तेरा होम थिएटर तो कमाल का है, 6 लाख का है। हाँ तो तू है भी तो करोड़पति की औलाद। मैं भी बड़ा होकर बिजनेस करूँगा ना, फिर देखना। अरे यार पापा का फोन है, वॉल्यूम डाउन। हेलो पापा, एक डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो पापा? 10th के बोर्ड्स है, मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आया था, बोलो क्या काम था? मैंने तुम्हें खाना खा लिया। यार भूख लगेगी तो खा लूंगा ना, भूखा थोड़ी रहूंगा। देख बेटा, अगर तू टाइम से खाना नहीं खाएगा ना तो तू पापा बीमार। बच्चा थोड़ी ना हूँ, अपना ख्याल रखना आता है, परेशान मत करो यार। अबे यार राहुल, क्या हुआ तेरे पिज्जे का? कब से का ऑर्डर करवाया हुआ, अभी तक नहीं आया। हाँ लगता है आगे बच्चों। रुक रुक रुक, अभी 25 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट रुक जा, फिर खोलना, फ्री में मिलेगा पिज्जा, मजे लेते हैं इसके। मैं जरा वॉशरूम होकर आया। पिज्जा। क्या अंकल, कितना टाइम लगा दिया तुमने? मैम वो लिफ्ट बंद थी, इसलिए 7 माला चढ़ के आया हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ये सब इनके ड्रामे होते हैं, लिफ्ट बंद थी, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते, लेट हो गए थे। सॉरी मैम, इस टाइम पेमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं होगा। क्या सॉरी, यही नाटक होता है इन लोगों का, एक तो पिज्जा लेट लेकर आता है और फिर पिज्जा का पूरा पैसा मांगते हैं। अरे यार करना इसके साथ डील। ए बंटी, चल मैं तेरे को अपना लेटेस्ट लैपटॉप दिखाती हूँ, चल चल। पापा ये सब क्या? आप तो ऑफिस में जॉब करते थे। हाँ सर, वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है राहुल, मुझे उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है, उसी के लिए लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूँ मैं। साहब पिज्जा ले लो और पैसे दे दो,
वो क्या है ना, मुझे दो जगह और डिलीवरी देने जाना है। अगर वहां लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। थैंक यू सर। और उस गरीब को टिप भी दे देना। सर, टिप। I'm sorry पापा। अरे मेरे ही कारण आपको ये काम भी करना पड़ रहा है और मेरे ही कारण बेइज्जत भी होना पड़ा। बेटा मेरा गुजारा तो ऑफिस की जॉब से हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की। पर फिर भी ये दो दो नौकरियां कर रहा हूँ ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। कि मैंने नहीं सोचा था तू मुझे धोखा देगा। I'm sorry पापा, पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ लेकिन असली सबक आज आपने मुझे सिखा दिया पापा। I'm sorry पापा, I'm sorry, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। I promise पापा, I promise।